हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किंग खान यानी कि शाहरुख खान की द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म पठान के इंडियन एडवांस बुकिंग अपडेट के बारे में। सो ब्रेकिंग न्यूज जस्ट कमिंग इन, इंडिया में हर कोई वेट कर रहा है कि पठान का एडवांस बुकिंग कब खुलेगा, स्पेशली आफ्टर हियरिंग द ह्यूमंगस नंबर्स दैट हैज बीन पोरिंग इन ओवरसीज में। जिस तरह का हो रहा है, चाहे वो जर्मनी में रिकॉर्ड्स हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, यूएसए में हो, यूएई जीसीसी खुला है, बहुत मैग्नानिमस तरीके से बहुत ज्यादा शोज मिल रहे हैं वहां भी। तो अब सबका इंतजार और सबका जो निगाह है वो टिका हुआ है कि भैया इंडिया में कब खुलेगी, क्योंकि इट इज एन इंडियन फिल्म, कम ऑन, इंडिया में भी जल्दी से खोल दो। 25 को रिलीज होना है, 8 दिन बाकी है रिलीज होने पे, लेकिन अभी तक भी नहीं खुला है। और अभी जो डेट निकल के आ रहा है पठान के एडवांस बुकिंग खुलने का इंडिया में, दैट इज 20th of January, यस, यानी कि फ्राइडे से कहा जा रहा है कि इसका जो ऑफिशियल एडवांस बुकिंग है वो खुल जाएगा फुल फ्लेज्ड। और आई थिंक ये थोड़ा लेट कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि एक तरफ जब ट्रेलर आता है 10 तारीख को, उसी दिन ओवरसीज का एडवांस बुकिंग खोल दिया जाता है, लेकिन इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 5 दिन पहले। अगर ये फ्राइडे रिलीज होती तो फ्राइडे को इसका एडवांस बुकिंग खुलना वुड हैव बीन परफेक्ट, एक हफ्ते का आराम से बहुत अच्छा जाता, लेकिन इट इज अ वेंसडे रिलीज, तो सिर्फ 5 दिन पहले एडवांस बुकिंग खुलना आई थिंक थोड़ा सा लेट कर रहे हैं मेकर्स, क्योंकि जिस तरह का इंटरेस्ट है, जिस तरह का क्यूरियोसिटी और जिस तरह का डिमांड है पठान का एडवांस बुकिंग खोलने के लिए, वो अलग लेवल पे जा रहा है। लोग बेचैन हो रहे हैं, जितना ओवरसीज से नंबर आता जा रहा है उतना लोगों में बेचैनी बढ़ते जा रहा है कि भैया हम भी अपना टिकट बुक करके कंफर्म कर लें। तो वहां पे हमको लग रहा है कि थोड़ा लेट कर रहे हैं वायर है, बट इट कैन ऑल्सो प्रूव टू बी अ मास्टर स्ट्रोक, ये एक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है, क्योंकि वायरफ हर चीज को जिस तरह से डिले कर रहा है और जिस तरह से लोगों का पेशेंस टेस्ट कर रहा है, इट कैन डू वंडर्स कि जब 20 को खुलता है तो एक अलग माहौल हो सकता है कि जल्दी जल्दी टिकट बुक कर लो और फिर टिकट नहीं मिलेंगे, और इस तरह का जो माहौल, जो एटमोसफेयर क्रिएट होगा सोशल मीडिया पे, अगर वो बहुत लेट से खोलते हैं तो वो नेक्स्ट लेवल पे भी जा सकता है। सो दो धारी तलवार है अभी तक मेरे हिसाब से, थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, बट फिर भी जिस तरह का बज है, जिस तरह का हाइप है, जिस तरह का इंटरेस्ट है लोगों के बीच में, वो उस दिन भी जब खुलेगा तो अलग मैग्नीट्यूड पे खुलेगा, और उसके बाद फिर सब कुछ मतलब बहुत जल्दी जल्दी बुक होगा, और वो फिर अलग एटमॉस्फेयर जो हम बोले सोशल मीडिया पे हर जगह अलग ही क्रिएट हो जाएगा कि भैया टिकट अब नहीं मिल रहे हैं, तो उस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा तो और ज्यादा इंटरेस्ट होगा और फिर और ज्यादा हमको लगता है एक्साइटमेंट होगा पब्लिक में। सो आई थिंक वायरफ आर टारगेटिंग दैट कि उस तरह का एक एटमॉस्फेयर इंडिया के एडवांस बुकिंग के लिए बनाया जाए बाय, बशर्ते मेरा थोड़ा सा मानना है कि थोड़ा 1-2 दिन लेट है। अगर 18 से खोलते कल से, जो कि स्टार्टिंग में सुनने आ रहा था कि कल से खुलेगा, तो एक हफ्ता पहले खोलते तो वो परफेक्ट रहता, बट देखते हैं अब 5 दिन वाला जो ये प्लान है वायरफ का, ये किस तरह से वर्कआउट करता है। सो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में और कितना एक्साइटेड हो आप पठान के एडवांस बुकिंग खुलने के लिए एंड ऑफ कोर्स पठान के रिलीज होने के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट आए तो आपसे मिस ना हो जाए। कुछ और बात करनी है, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।